रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान कर दिया है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और इसके लिए वे कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है और चंडीगढ़ से पहले तो SYL के पानी की एक एक बूंद हरियाणा लेकर रहेगा। वे आज रोहतक के अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो आने वाले चुनाव के लिए अपनी तरफ से ऐलान भी कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश का है और इसके लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। यही नहीं, चंडीगढ़ से पहले तो पंजाब से SYL का एक एक बूंद पानी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी दलों के नेताओं को इस मामले में एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ और SYL के पानी को लेकर आप पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगे हाथ चुनावी वादा भी कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गरीब लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी तथा अन्य लोगों के लिए राहत दी जाएगी। यही नहीं, हरियाणा में सरकार बनने के तुरंत बाद कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के आदेश कर दिए जाएंगे। कहूँ कि जहाँ का हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे, चाहे हमारे को कितनी कुर्बानी दे, हर कुर्बानी विचार है, चाहे मेरे को पद यात्रा करनी पड़े, चाहे और सारे हरियाणा में घूमना पड़े, हम ये हरियाणा नहीं होने दूंगा। केजरीवाल स्पष्ट करें इस मामले को कि चंडीगढ़ पे किसका, सारी पार्टियों स्पष्ट करना चाहिए जब कर रहे हैं तो। बता दें कि पंजाब की आप सरकार ने चंडीगढ़ पर अपना हक जताते हुए विधानसभा में रेजुलेशन पास कर दिया है। अब हरियाणा भी आपातकालीन विधानसभा सत्र बुलाने जा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और कल दिल्ली में प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल की बैठक बुला ली है, जिसमें चंडीगढ़ तथा SYL के पानी को लेकर अहम रणनीति तैयार करेंगे।